वालेकुम हियर इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर रीडर्स। आपने देखा कल मैंने आपको पढ़ाया था सिक्स रेड रोजेस आई विल पुट देम इन अ वेस। मतलब उनको छः गुलाब के फूल मिले थे और वो सोच रही थी कि उसको मैं गुलदान के अंदर लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन आप आज के पेज पर डैडी वॉक्स बाय एंड कट्स वन ऑफ। डैडी वॉक्स बाय एंड कट्स वन ऑफ। डैडी वॉक्स बाय and cuts one off. Daddy walks by and cuts one off. Daddy walks by and cuts one off. Daddy walks by and cuts one ऑफ। मतलब कि डैडी वहाँ से चल रहे थे, वॉक करते करते गए हैं, तो उन्होंने उनको इतने प्यारे लगे वो रेड रोजेस कि उन्होंने एक तोड़ लिया। वैसे बेटा ये बिल्कुल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती रोज़ को हम या तो कोई भी फूल हो, लेकिन डेकोरेशन होती है, इतने अच्छे लग रहे थे लगे हुए। इनको अगर हम तोड़ लेंगे तो वो सारी की सारी डेकोरेशन और जिसने इनको लगाया होगा उसकी भी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। उसने भी किसी मकसद के तहत लगाया ना कि वो या मेरा लॉन प्यारा लगे या कोई भी किसी भी गार्डन में अगर आप देखते हैं तो वो उसकी खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको तोड़ देंगे तो वो एक तो उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, दूसरा जब हम उसको तोड़ लेंगे वो उसकी रूट से सेपरेट हो जाएगा तो वो उसकी तो लाइफ भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, वो मुरझा जाएगा। इससे बेहतर है ना कि अब जहाँ पे लगा हुआ उसको वहीं पे लगा रहने दें, वो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन वो यहाँ पे बता रहे हैं कि डैडी वॉक्स बाय एंड कट्स वन ऑफ। उनको इतना अच्छा लगा, प्यारे बहुत लगते हैं, नो डाउट, दिल भी करता है तोड़ने को, लेकिन हमें इनको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो जो डैडी हैं उन्होंने एक तोड़ लिया, वहाँ से वो चढ़ते हुए जा रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा उन्होंने एक तोड़ लिया। डैडी वॉक्स बाय एंड कट्स वन ऑफ, एक उन्होंने वहाँ से तोड़ लिया।